हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ मना एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो अराउंड 6:45 मैं उठी थी। हाँ, 15 मिनट पहले का अलार्म था। 5:45 के दो अलार्म थे। उठी, उठकर मैंने पानी पिया, फ्रेश हुई और उसके बाद मैं पूरा रूम सेट किया। जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा सा मैसी रूम या मैसी जगह है, पर मुझसे स्टडी नहीं होती है, इट्स ट्रू। मुझे चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी चाहिए और चीज़ें क्लीन, और उसके बाद में मुझे स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे अगर आप मेरी जो टेबल है, स्टडी टेबल है, उस पर भी देखोगे तो बहुत स्पेस है। उस पर सिर्फ मैंने दो नोटबुक्स रखी हैं जिसमें नोट्स हैं। उसके बाद में मैंने नाश्ता खाया। नाश्ते में मैंने बादाम, केला और एक सेब खाया मैंने। उसके बाद में, क्योंकि सुबह सुबह खाना, सेब खाना बहुत अच्छा होता है, आपके फेस पर रेडनेस रहती है, उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई। और मैंने आज लाइव मॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने RRB, मैं पढ़ने बैठी थी अराउंड 7:15, आधे घंटे बाद, ठीक है। और मैंने RRB का सबसे पहले PO का जो लाइव मॉक है वो वाला मॉक दिया। एंड होप यू ऑल नो, मैंने अपना शेयर भी किया था लाइव वीडियो में। सो उसमें मेरे मार्क्स जो रहे वो 75 out of 80 रहे और 100% के साथ रहे, ठीक है। तो हमने वो वाला मॉक लगाया। उसका जो रिजल्ट है वो कल आ जाएगा शायद ऑलीवर्ड पर, और आज वो मॉक ख़त्म हो गया। कल RRB असिस्टेंट का लाइव आएगा तो अपन कल वो वाला लगाएंगे, ओके। फिर अराउंड उसमें मुझे 1 आवर लग गया था, ठीक है, 44। तो अराउंड 8:15 तक मैंने मॉक लगाया, आप ऐसा समझ सकते हो, कह सकते हो। और 8:15 बजने के बाद मैंने जो सबसे पहले किया वो किया, मैंने कंप्यूटर के जो नोट्स थे वो एक जीमेल का चैप्टर रिवाइज किया। उसके बाद में मैंने नेटवर्क का हाफ कल एक क्लास लगाई थी, उस के 3 या 4 पेज बन रहे थे, वो वाले नोट्स मैंने रिवाइज किए। उसके बाद में मैंने फिर एक कंप्यूटर की क्लास को लगाया। नेटवर्क की जैसे 4 क्लासें हैं, तो नेटवर्क में फर्स्ट क्लास मेरी कल लग चुकी थी, उसके नोट्स रिवाइज हो गए और जीमेल का एक चैप्टर अलग से रिवाइज हो गया। फिर मैंने नेटवर्क की सेकंड क्लास को लगाया। अब आप पूछोगे कहाँ से लगाया, तो मैंने इस वीडियो की, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग रहेगी, अराउंड 10 to 11 मिनट्स, क्योंकि मैं इसमें एक एक चीज़ डिटेल में बता रही हूँ। उसके बाद में कोई भी वीडियो में डिटेल नहीं रहेगी, तो वो 4-4, 5-5 मिनट की मेरी डेली रूटीन वीडियोज़ होंगी। ये day 1 है। तो मैंने अरोड़ा एजुकेटर से लगाया था। आप प्लेलिस्ट है 89 वीडियोस की, उस वीडियोस में भी आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे मिल जाएंगे। अदरवाइज आप ऐप से परचेज भी कर सकते हो, 555 का है। कोई ऑफर ऑफर कोई कोड कूड कुछ भी नहीं है उसका मार्केट में अवेलेबल, तो 555 में मैंने लिया था। अभी मुझे नहीं पता है क्या प्राइस चल रहा है, ओके। और नोट्स मैंने मेरे सेल्फ हैंडमेड हैं, क्योंकि उनकी जो PDFs हैं, क्योंकि अभी बच्चे कहेंगे PDFs दे दो ये वो, तो देखो वो डाउनलोड नहीं होती हैं, वो मेरे नोट्स हैं, वो मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। और आई डोंट थिंक सो आई विल शेयर विद anyone this, क्योंकि एक पर्सन को शेयर करना इट मीन्स कि सभी को शेयर करना हो जाएगा, ओके। और मैं अभी ये नहीं करना चाहती हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल, ओके। अब उसके बाद में नोट, जैसे हमने 3 चीज़ें सुबह से कर ली हैं, एक तो जीमेल का चैप्टर रिवाइज कर लिया था, एक RRBPO का मॉक लगा लिया था, नेटवर्क की कल की क्लास के फिर से आज नोट्स रिवाइज कर लिए थे, नेटवर्क की हमने सेकेंड क्लास लगा ली थी। एंड उसके बाद में हमारा जो थर्ड चीज़ थी, क्योंकि हमें अराउंड, अगर मैं बात करती हूँ तो 9 बजे तक पढ़ना है, क्योंकि 9 बजे के बाद हमारी एक चाय होगी, मतलब चाय पी मैं 9, 9:30 बजे के बाद, क्योंकि 2-3 घंटे पढ़ने के बाद में मुझे चाय की नीड रहती है, एक टी की, क्योंकि मैं सुबह सुबह टी नहीं लेती हूँ। तो और 2-3 घंटे हमारे ब्रेकफास्ट को, मतलब सेब वगैरह खाए हुए भी हो जाते हैं। उसके बाद अराउंड मैंने 9 बजे मैं पढ़ने उठी हूँ, आप देख सकते हो, इट्स माय रियल फेस, ओके। जैसे कोई कहता है कि तुम रंग ऊपर नीचे कर लेते हो, नहीं, ये वो बिना फिल्टर का था वो वाला फेस। और सो मैंने 9 बजे चाय पी। उसके बाद में मैंने सबसे पहले फोटोस्टेट के लिए अपनी PDFs को भेजा और फोटोस्टेट वाले को कॉल किया। ये मैं यहाँ बात कर रही हूँ, लेकिन फोटोस्टेट वाले भैया कहीं और बिजी थे, उन्होंने मुझे होल्ड पे रख दिया और मैं वेट करती रही ना, फिर उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। बट मैं अपनी PDF भेजकर, मैसेज भेजकर काम अपना ख़त्म कर चुकी थी, और कल वो PDFs मेरी आ जाएंगी। उसके बाद में मैं बैठ गई हूँ करंट अफेयर्स को रिवाइज करने, क्योंकि करंट अफेयर्स मेरा सबसे वीक पार्ट है और इस बार मैं उसे अपना वीक पार्ट नहीं रखना चाहती हूँ। बहुत चीज़ों को मिनिमाइज़ कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं बहुत सारा अगर करंट अफेयर्स का पढ़ने बैठ जाती हूँ तो ना तो वो मुझसे कंप्लीट होता है, ना ही वो मैं रिवाइज़ कर पाती हूँ। इवन एक बार करने भी मुझे मौत आती है। तो मैंने सोचा कि चीज़ों को मिनिमाइज़ करते हैं, बहुत कम चीज़ें रखते हैं करंट अफेयर्स में पढ़ने के लिए, लेकिन उनको रिवाइज़ अगेन टू अगेन करते हैं। सपोज करो, अगर मैं बेस्ट 300 PDF सिर्फ 4 ही PDFs पढ़ रही हूँ एक प्लेटफॉर्म से, तो स्टडी IQ और अफेयर्स क्लाउड में फॉलो कर रही हूँ, ओके। स्टडी IQ से बेस्ट 300 और अफेयर्स क्लाउड से बेस्ट 100, तो मेरे पास अगर मैं मंथ की बात करूँ तो टोटल 5 PDFs होती हैं। 5ों की 5ों PDFs मैंने ऐसा टारगेट बिठाया कि एटलीस्ट
एटलीस्ट पेपर से पहले 3 या 4 बार तो मैं रिवाइज करके ही जाऊँ, जैसे मैंने कंप्यूटर का टारगेट बिठाया है, तो चीज़ों को मिनिमाइज कर दिया और उनको बहुत अच्छे से मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, तो ये यहाँ पर वही चल रहा है. मैंने बेस्ट 300 की जो PDF, सबसे पहले मैंने PDF को रिवाइज किया जो कल मैंने क्लास लगाई थी उसकी. उस PDF को अच्छे से रिवाइज करने के बाद में अराउंड उसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं एक PDF में, हमने रिवाइज कर लिया. उसके बाद में ये मेरा बीच में फिर एक मतलब आप कह सकते हो जैसे खाना पीना, क्योंकि देखो भाई खाने में मेरा कोई परहेज नहीं होता है, खाना मुझे थोड़े थोड़े टाइम बाद चाहिए ही होता है, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है आप कह सकते हो. तो ये अराउंड हमने आप 11:30 बजे का टाइम लगा सकते हो, 11:30 बजे हमने फिर से उबाले हुए चने और उबाले हुए मूंग की दाल हमने खाई जो घर पर ही है. मैं बाहर का बहुत रेयर खाती हूँ, बहुत मिनिमम खाती हूँ. ओके, सो हमने वो खाया और उसके बाद में हमारा टारगेट फिर से शुरू हो गया. एक टारगेट मैं साथ के साथ जो पढ़ाई के लेकर चलती हूँ वो होता है, मैं ये जो बॉटल देख रहे हो ना मेरे हाथ में, 5 बॉटल मुझे किसी भी तरह से डे में ख़त्म करनी होती है पानी की. तो मिनिमम 4 और 5 हो जाए तो बेस्ट रहता है. मैं उस दिन बहुत खुश होती हूँ कि एटलीस्ट मैंने 5 बोतल पानी पी लिया. तो जैसे 4 स्लॉट्स में मेरी स्टडी होती है, तो 4 स्लॉट्स में एक एक स्लॉट में मैं एक बोतल ट्राई करती हूँ कि वो पानी की ख़त्म हो जाए, और साथ के साथ मैं अपना स्टडी करती रहती हूँ. तो फिर से हमने वो खाना पीना पानी सब हो गया हमारा, और फिर से हम करंट अफेयर्स की क्लास लगाने बैठ गए. अब हमें लगानी है क्लास, और क्लास मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है लगाना, क्योंकि उसमें नींद बहुत आती है. पर ठीक है, जैसे तैसे हमने ख़त्म की क्लास, और फिर हमारे नहा धोकर हमारे आज बाल धोए हमने, और क्योंकि ऑयलिंग की थी, उसके बाद हम बैठ गए श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने. ओके, सो आज हमने गीता में पढ़ा कि हर एक इंसान को उसका कर्म सौंपा गया है. जैसे एक क्षत्रिय का कर्म है कि वो युद्ध स्थल में युद्ध करे, अपने राज्य का कार्यभार संभाले, लेकिन अगर वह अपने कर्म से भागकर अगर जंगल में मान लो कहीं सिद्धि करने भी जाता है, सिद्धि भी प्राप्त करता है, तब भी वह अधर्मी है, क्योंकि वो अपने कर्म से भाग रहा है. हमने आज श्रीमद् भगवत गीता में यही पढ़ा, जब श्री अर्जुन जो है वो नहीं लड़ पा रहे थे, लेकिन और कह उनका कहना था कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, तो इट मीन्स वो अपने कर्म से भाग रहे थे. तो हर एक इंसान को पर्टिकुलर उसका कर्म सौंपा गया है, आप कर्म करें, कर्म से नहीं भागना है आपको, और बाकी मंजिल जो है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दे, ऊपर वाला आपके लिए बेस्ट ही सोच रहा है और वो बेस्ट ही आपको देगा. ओके, फिर उसके बाद में हमने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी 15 मिनट, और 15 मिनट पढ़ने के बाद में हमने खाया खाना. खाने में जैसे आप ले सकते हो, एक खीरा था, 2 रोटियां थी, चपाती, मतलब आप कह सकते हो एक गिलास छाछ का, और सब्जी. उसके बाद में हमने खाना खाने के बाद में फिर से बैठ गए पढ़ने, और ये थोड़ा सा स्लॉट हमारा लंबा रहता है, क्योंकि अराउंड आज मुझे 2:30 बज गए थे खाना खाते खाते. तो हम 4 घंटे ट्राई करेंगे कि पढ़ सकें. ठीक है, अब 4 घंटे में हमारा क्या क्या हो सकता है उसको मैं बताती हूँ. एक मैं फिर से मॉक लगाऊंगी, तो आज मैंने फिर दूसरी बार जो मैंने आज मॉक लगाया वो स्मार्ट कीड़ा का मॉक लगाया था, स्मार्ट कीड़ा PO का मॉक लगाया था मैंने, और उसमें मार्क्स मेरे बहुत ख़राब आए. विल शेयर यू इन अ शॉर्ट. ओके, मैंने इसमें ऐड ऑन करना मैं भूल गई हूँ वीडियो में, बट इट्स ओके, कल से मैं ये भी ऐड ऑन कर दूंगी कौन से मार्क्स में कौन सा स्कोर रह रहा है मेरा. तो मेरे अराउंड मार्क्स उसमें आए थे 47-48, बहुत गंदे मार्क्स थे, क्योंकि बहुत लेंदी था, रीजनिंग अच्छा था, लेकिन जो उसमें मैं बता सकती हूँ कि मैथ्स थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी था. उसके बाद में हमने एक करंट अफेयर्स की क्लास करने के बाद में हमने जो करंट अफेयर्स है मतलब सॉरी एक मॉक लगाने के बाद में मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लिख लिख कर रिवाइज करने की कोशिश की कि ताकि वो मुझे याद रहे, जो मैंने क्लास सुबह लगाई थी उसी क्लास को. ओके, और उसके बाद में फिर हमारा होने के बाद में मैंने गाइडली की PDF में से किए मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व. पर्टिकुलरली मैंने जो सॉल्व किया वो किया इंग्लिश के क्वेश्चंस को, उसके बाद में मैथ्स की एक DI को किया, रीजनिंग की एक DI को किया, गाइडली के मेंस बूस्टर को जैसे मैं करती हूँ, तो हमने एक एक डे डेली मैं ट्राई करती हूँ कि वो मुझसे हो जाए. तो मैंने गाइडली की PDFs को सॉल्व किया मेंस बूस्टर वाली 2023 के, और इसी में बस मतलब इतना ये मेरा फुल डे का स्टडी रूटीन रहता है, मैं इतना ही करती हूँ. अब आप एकदम से सोच रहे होंगे ये क्या भाई, ये तो जगह है जज्बात सब बदल दिया. तो ये मेरा डे का फेवरेट पार्ट है, सेकंड पार्ट बोल सकते हो. फर्स्ट मुझे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा सेकंड फेवरेट पार्ट रहता है डे का, जिसमें मैं जिम जाती हूँ. थोड़े दिन हुए मुझे जिम जाते हुए, बट क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी, बैक में प्रॉब्लम आ रही थी, देन डॉक्टर सैड कि अगर मैं डे में इतना स्टडी सीटिंग कर रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे 1 to 2 hours अपनी बॉडी पर देना चाहिए, क्योंकि मैं 10-10 दिन बीमार रह रही थी, हॉस्पिटलाइज हो रही थी. तो उसका यही एक सॉल्यूशन था. सो आई जॉइन द जिम, एंड सच बताऊँ मुझे बहुत बहुत भाई इस चीज़ से सहारा मिल रहा है, एटलीस्ट मुझे मेडिसिन से छुटकारा मिल गया है, और मेरी बॉडी में रिकवरी बहुत फास्ट हुई है इस चीज़ से, और सही
सही बताऊँ मैं मेंटली भी स्ट्रांग हो रही हूँ थोड़ा, मुझ मेरे अंदर डिसिप्लिन आ रहा है डेली कि अगर मैं जिम में जा रही हूँ तो मैंने फिर थोड़ा बहुत फ्लैक्स वगैरह खुद को खुद से ही दिखाए और आप देख सकते हो स्क्रीन पर, एंड देन फिर से हमने वेट वगैरह किया और आज जो एक्सरसाइज की थी वो हमने मेनली अपने अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया था क्योंकि हमारे डेज डिवाइडेड हैं। स्टार्टिंग के 2 डेज में हम लेग्स को, जो हमारा लोअर बॉडी का पार्ट होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, और फिर हम लास्ट के 3 डेज में हम अपर बॉडी को, और बीच में एक डे हमारा कोर को स्ट्रॉन्ग करने का रहता है। कोर इन द सेंस हम हमारे जो लाइक ब्रीदिंग को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, कोर पार्ट को। और फिर पूरी एक्सरसाइज होने के बाद में बीच में, जैसे आप देख सकते हो बीच में ये इधर उधर से ज़्यादा जाना जिम में, ये मेरा इसलिए क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ तो ट्रेनर मुझे बताते रहते हैं कि कैसे कौन सी करनी है। ये मेरी फाइनल आज की एक्सरसाइज जिसमें मैंने थोड़ा सा अपना ऐसा कोशिश किया कि मेरा पेट कम दिखे, और उसके बाद में हम निकल पड़े भाई बाहर। और फिर आते ही हमने नहाए धोए, फ्रेश हुए और खाना खाया, खाने में वही आप देख सकते हो। उसके बाद में वीडियो मैंने कंप्रेस की, छोटी की है आप देख सकते हो, और अब मैं साउंड को रिकॉर्ड कर रही हूँ और फिर उसके बाद में जस्ट जा रही हूँ सोने। गुड नाइट गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।